दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आज नए दिन की शुरुआत हो गई है एक नए ब्लॉग के साथ, और मैं आपका दोस्त रघु राणा अलमड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव जलासी से। दरअसल हुआ है क्या है कि दो दिन से लगातार बारिश है, और बारिश के इस मौसम में मुर्गियों के लिए, बकरियों के लिए और मछलियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई है। दरअसल मौसम वेदर कितना अजीब सा हो रहा है, मगर आज खुशी की बात यह है कि धूप आनी शुरू हो गई है, वहाँ से धूप निकलनी शुरू हो गई है। और पीछे देख सकते हैं खेत में जो मूली बोई थी वो भी उग चुकी है। तो आज आपको दिखाते हैं कि मछलियों का क्या अपडेट है, तो चलें आगे। बारिश के बाद मैं जैसे कि आपको बताते रहता हूँ, इरिगेशन के लिए इस प्रकार पंप इसमें लगाना पड़ता है, क्योंकि होता क्या है कि बारिश में इसमें धूप बहुत कम आती है और जो पानी के अंदर ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी मछली की मोर्टेबिलिटी हो सकती है। और देखिए जो मैंने पीछे केले के पत्ते डाले हुए हैं वो देखिए कैसे पूरे डंठल डंठल बना दिया। अभी नज़दीक जाके दिखाता हूँ आपको। दरअसल ये वो केले के पत्ते हैं, आप देख सकते हैं कैसे मछलियों ने ये खाली बीच की रेशी बचा के रखी हुई है, और जो पत्ते हैं पूरी के पूरे तरीके से खा चुके हैं। तो इस प्रकार मछली पूरा दाना चुप देती है। अभी दरअसल मौसम ख़राब हुआ है तो मछलियां जो हैं नीचे हैं पानी के, और अभी मैंने इनको दाना भी नहीं दिया है, तो इसको इसके बाद इनको दाना देंगे। और अब जो है मछली की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है, तो अभी मछली को थोड़ी देर में देंगे दाना पानी। तो उससे पहले अभी घर का काम निपटा लेते हैं। दरअसल आज है क्या कि मेरे दादाजी जो गुजर चुके थे उनका आज श्राद्ध है, तो पहाड़ों में पितृ श्राद्ध मनाया जाता है, तो आज उनका श्राद्ध है। तो पंडित जी ने आना है, उससे पहले घर की लिपाई पुताई होनी है और व्यंजन बनने हैं जो श्राद्ध में भोग लगाया जाता है, तो वो चीज़ बनने हैं। और मैदर देखिए कितना खूबसूरत हो रखा है, तो आगे दिखाते हैं आपको। अभी फार्म में मुर्गियाँ भी अंदर ही हैं, बाहर नहीं की हुई। फार्म की मैंने सफाई कर ली अच्छे से, और उसके बाद इनको बाहर करेंगे, क्योंकि अभी जो है फार्म थोड़ा गीला है, बाहर अंदर का एरिया सूखा है। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर में इनको बाहर करूँगा, तो उसकी क्लिप भी आपको दिखाई जाएगी। और आगे आपको देख सकते हैं आंगन में जो मैंने आपको दिखाया था, नीचे आलू लगाए हैं, लहसुन लगाया, अभी अंकुरित नहीं हुआ है, बारिश काफ़ी ज़्यादा हो गई इसके बाद। अब मुर्गियों को दाना पानी चारा दे दिया है, बाहर खोल दिया है, और अब नंबर आता है अगले काम का। और मेरी दिनचर्या शुरू होती है इन मुर्गियों से स्टार्ट होती है, इनको दाना पानी चारा दे के। आगे फिर मछलियों का होता है, उसके बाद बकरियों का होता है, फिर अपने रेटेशन के दिनचर्या वाले काम का होता है, फिर शाम दोपहर के बाद मैं खाना खा के बकरियों को ले जाता हूँ जंगल, गाय भैंस बकरियों को, और उसके बाद मैं आता हूँ शाम को। तो अगर हमको पहाड़ में रहना है तो उसके लिए हमको सबसे पहले आय का स्रोत देखना होगा, जहाँ से हमारा रेवेन्यू आएगा, पैसा आएगा, तो उसके लिए हमको स्वरोजगार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन एवं ऑर्गेनिक सब्जी पर काम करता हूँ, तो इससे अभी तक मेरी जो है आय का साधन यही मेरा है। तो पहाड़ में सबसे बड़ी जो दिक्कत है वह है आय का, यहाँ रोज़गार नहीं है, आय का साधन का सबसे बड़ा समस्या जो खड़ी हो जाती है सभी के लिए। दरअसल पहाड़ छोड़ने का किसी का मन नहीं करता है, मगर समस्या वही होती है कि हमको यहाँ उत्तराखंड में स्वरोजगार के लिए, हमारे आय के साधन के लिए कोई रोज़गार नहीं होता है, तो उसके लिए हमको ये छोटे मोटे काम करने ही पड़ते हैं। तो आगे दिखाते हैं आपको। फिर लिपाई के लिए हमारे वहाँ गोबर और मिट्टी का ऐसे मिला के सना के ऐसे बनाते हैं, और इस तरीके से द्वार से ऊपर को लिपाई का काम शुरू होता है। और ये हमारी मैडम लिप रही है आज, ये पहाड़ों में इसको शुद्ध माना जाता है इस लिपाई को, और इससे घरों में भी लिपाई का काम इसी से शुरू होता है। फिर बारिश होने लग गई है,
दोबारा से बारिश शुरू हो गई है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है इस बार, 2-3 दिन से लगातार बारिश ही है। और अभी घर में पकवान बनना शुरू हो गया है, पूरी बनने लग गए हैं, रायता बनने लग गया है और हलवा बनेगा इसके बाद, क्योंकि आज मैंने आपको बताया था कि हमारे जो दादाजी हैं उनका श्राद्ध है। तो आगे दिखाते हैं आपको क्या क्या बन रहा है। और जो दरअसल अभी चावल दादी पीस रही थी वह है, उसमें पिंड बटे जाते हैं जो हमारे पूर्वज हैं और जो हमारे दादाजी वगैरह जो गुजर चुके हैं उनका पिंडदान होता है आज, और पिंड बटा जाता है। तो इसलिए वो दादी चावल को पीस कर पिंड तैयार कर रही थी। कि वीडियो आपको कैसी लगी, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एक लाइक ज़रूर करना अपने भाई के लिए। उत्तराखंड से स्वरोजगार वाली वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ और आपको नए नए टिप्स देते रहता हूँ। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच।